सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनास, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड में। सबसे पहले हरियाणा के भाइयों को राम राम। तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अलग गाने के ऊपर रिएक्शन लेके आए हैं, जो कि हमारे हरियाणा के बहुत फेवरेट सिंगर है, जिनका नाम है कासावड़ा चहल। किनके गाना आउट हो चुका, गाने का नाम है बापू। और इसके अंदर आपको यशपाल शर्मा जी भी नजर आएंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत सीनियर एक्टर हैं। इनकी एक्टिंग लोगों ने गंगाजल मूवी में देखी होगी, तो यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यार इन्होंने क्या कोलैबोरेशन करा होगा साथ में। और गाने का नाम है बापू, तो मुझे समझ आ रहा है कि पापा को कुछ प्राउड कराने वाली कुछ बात होगी। और जहां से माँ बाप से गाना जुड़ जाए तो वो गाना फिर एंड ही होता है, उस गाने का कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो इस गाने को रेटिंग ना करते हुए हम इस गाने को फील करेंगे। तो मैं पहले गाना देखना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं भी पहले गाना ही देखना चाहता हूँ। क्या बात है, इसका नाम बापू है तो पहले माँ का नाम तो बहुत सुना है। हाँ। बापू का नाम सुनेंगे तो फिर देखेंगे कि इसका हम क्या रिएक्शन करते हैं। ओके, तो गाना देखते हैं, गाने के बाद बताते हैं हमारा रिएक्शन क्या है। उससे पहले बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक आकर आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और आप हमारे चैनल पर नए हो, आपके पैसे लग रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, से क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे आपके गाने आते रहे और हम रिएक्शन करते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गाने पे रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो ब्रो। चलो जी, कासावड़ा चहल। सपने मेरे थे बाबू और पूरे करनिया तू था, जब मेरे पर संकट आया तो मेरे तब पहला मरणिया तू था। किसे का कोई भगवान, किसे की किसे मास था, और मेरी तो तेरे में है बाबू, क्योंकि खुद भूखा रह के और मेरा पेट भरणिया सच्चाई तू था। हो आना गाड़िया का काफिला होगा, मैं बीच बैठा तेरा लाल होएगा, लोग तापेंगे रा दांता तले आंगली, ऐसा देखिए कमाल होएगा, पूरा सपना यो मेरा हर हाल होएगा, क्योंकि मेरी मेहनत बाबू बहुत लोगा की बे अपनी बारी है। बाबू बदले मन चेंज होएंगे रा जिंदगी के सीन देखिए, एक साइकिल दवाई तन तेरे लाल त गड्डी गर्म खड़ी है तीन तीन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुने थे तने मेरे बाबू ने, तेरी जमी हुई औलाद को न्या तेरे काबू में, जोन से बने तेरे ये बड़े साहूकार, उन लैंड लोरड़ा के आज काम सा तू मैं, कलम की गेल देख करूं जादू मैं, दाता न देई कलाकारी है। सुन ली और बाबू बहुत लोगा की अपनी बारी है, सुन ली और बाबू बहुत लोगा की बे अपनी बारी है। सपने हाँ सपने बाबू है साकार होवेंगे, मर्जी के सुनाइए फैसले ना लोग सलाहकार होवेंगे, सच्चाई सच्चाई मर्जी के सुनाइए फैसले ना लोग सलाहकार होवेंगे, मर्जी के बात सुनाइयो लोग सलाहकार होंगे। तेरे चेहरे ते मिला से बाबू डिटो, मेरा चेहरा खासा गाम के लोगा ते जिकर सुनिया से, मेरे सामने तू रवे बाबू आस आस कह तेरी बाता मैं तुरा जिकर सुनिया से, हमारे खुद के ख्वाब सोक मेरे अबू गाए मेरी खातर, तो और भगवान को ना कोई रे जो हास के न मेरे सारे दुख ले ले से, ऐसा दुनिया में दूजा इंसान को ना कोई, तेरा मेरे ते सिवाय अरमान को ना कोई, दुख झेल ले तने हर वारी है। सुन ली ओए बाबू बहुत लोगा की बे अपनी बारी है, सुन ली ओए बाबू बहुत लोगा की बे अपनी बारी है। ओए तेरे होंदे
बापू को मेरा के बिगाड़ तेरा जिंदगी आदे इतना राजा वर्गी तेरी जुमा बापू चिड़ी का गाता ना डरा तेरे बेटे की उड़ाने ऊंची बाजा वर्गी मेरी भी उम्र बापू तेरा लाग जा बिन मतलब मेरे तयो प्यार तेरा सह तेरे मरगी ना चीज कोई दुनिया में और बापू तेरे तयो शुरू संसार मेरा सह सब ते सुखी हो परिवार मेरा सह क्योंकि तेरी पैरेदारी है हाँ सुन लिया बापू बहुत लोगा की वे अपनी बारी है ओ सुन लिया बापू बहुत लोगा की वे अपनी बारी है किसे का कोई भगवान किसे की किसे मास्था और मेरी तो तिर में है बाबू क्योंकि खुद भूखा रह के और मेरा पेट भरनिया तू था पेरेंट्स को भाई सलाम हाँ सुन लिया बाबू बहुत लोगा की वे अपनी बारी है ओ सुन लिया बाबू बहुत लोगा की वे अपनी बारी क्या बात है बहुत सही बहुत सही बहुत बढ़िया सो गाइस बहुत ही बढ़िया गाना यार एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं कासावड़ा चहल ने मतलब बड़े टाइम बाद हम रिएक्शन कर रहे हैं कासावड़ा चहल के गाने के ऊपर बट भाई ये बंदा बहुत ब्रिलियंट है मतलब एक गाने को लिखने का एक तरीका होता है और ये जो गाना लिखा हुआ है ना तो मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि हमारे माता पिता ने भी बहुत मेहनत करी है और आज हम जहाँ भी है ज़्यादा आगे नहीं है बट जितना भी आगे अपने माँ बाप की वजह से ही हम आगे हैं और सच्चाई है ये मम्मी जो सच्चाई बताई है ना ये एक मिडिल फैमिली के अंदर जो भी पर्सन रहता है ना एक्चुअल ऐसा ही होता है पापा को भी हमने कई बार देखा कि बहुत चीज़ें खुद नहीं लेते हमारे को दुला देते हैं तो एक बच्चा अपने बाप को आश्वासन दे रहा है कि पापा आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने अपनी चीज़ें नहीं लेके अपने शौक ना करके हमारे शौक पूरे कराए हैं वीडियो बहुत अच्छी निकाली है वो सीन जो बहुत अच्छा लगा जिसमें मिरर के अंदर वो अपनी मूछें बना रहा होता है और उसके अंदर क्या देखता है वो अपने बेटे का रूप देखता है मतलब वो कहता है कि हमारी जो मूछ और शक्ल शेप है वो एकदम सेम लगती है ये बाप की डिट्टो कॉपी है और दूसरा एक सीन मुझे और भी अच्छा लगा बताओ कौन सा मैं नहीं बता सकती इसके अंदर वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ये कासावड़ा छोटा था और हाँ, वो साइकिल कर रहा होता तो उसका बाप को वो बंदा कहता है दूसरा बंदा वो भाई अपने बेटे को यहाँ से कर दे और जवानी में जब वो कामयाब बनता है तो वही बंदा उससे पैसे उधार मारने आता है एक तो कई बार ना कहते हैं कि वक्त को देखकर कभी अकड़ना नहीं चाहिए वक्त किसी का ही बदल सकता है और उसके बाप ने मूछों को तवा देके कहा कि दे दे पैसे तो ये सच्चाई है बड़ी मेहनत लगी है और उस बंदे के हुनर को उसके बाप ने बहुत निखारा कहते हैं ना कि कामयाबी कासावाड़े की जरूरत है बट उस कामयाबी के ऊपर जो पूरा हक है पूरा यकीन था वो उसके पिताजी का था तो मेरी तरफ से तो बहुत शानदार गाना लिखा है भाई बहुत अच्छा आप क्या कहना चाहोगे मैं तो एक ही बात कहूंगी कि 100 डालडा और एक क्यों देसी और 100 चाचे और एक प्यो सही बात है उसके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता इतना जबरदस्त कि बाप की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता चाहे बाप कितना भी गरीब हो पर वो ये सोचेगा कि अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरा बच्चा बहुत कुछ हो और वो अपने बच्चे को पूरी छूट देता है और हमारे लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि हमने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी थी तो सब लोग कहते थे कि आवारा बनेंगे बेवकूफ बनेंगे ये हरामी बनेंगे क्यों क्योंकि हमने छूट दे रखी थी हमें पता था कि हमारे बच्चे हमारी गरीबी जानते हैं हमारा हाल समझते हैं पर हम ये समझते थे कि हमारे बच्चे जब हमारी मजबूरी समझते हैं तो जो कुछ भी करेंगे वो हमारी मजबूरी के दायरे के अंदर ही करेंगे और आज भगवान की दया से मेरे बच्चे इतने लायक हैं हर बंदे मेरे बच्चों की रिस्क करने की कोशिश करता है और सब ये कहता है कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं जो आपके बच्चे ऐसे हुए तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ऐसी संतावना देते हैं ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं यही बात कहूँगी कि बच्चों को अपने बराबर समझो बच्चों को बिल्कुल छोटा मत बनाओ अगर हम बहुत छोटा बच्चों को बनाएंगे ना तो वो बच्चे हमेशा गिरते रहेंगे कभी संभलेंगे नहीं उन्हें संभलने का मौका दो और चहल वाले का गाने की बात में कहूँ तो इतना जबरदस्त लगा कि उसके गाने को देख के मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो हमारी जर्नी शुरू हो गई यही तो क्वालिटी है मम्मी की आप इस गाने को सुन के मैं इस गाने को सुन के मैं एक बच्चे की तरह अपने आप की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ और आप एक माँ बाप होकर अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये एक मिडिल फैमिली का एक दायरा है हर घर में सेम बातें होती हैं
कहते हैं ना हर गरीब का घर एक जैसा, एक जैसा। तो जो जमीन से उठ के आसमान छूता है ना, तो वो बंदा एक्चुअल अपनी कदर जानता है। जिसको कहते हैं ना गोल्डन स्पून मिल जाए, स्पून फीडिंग हो जाए, मतलब सोने का चम्मच मुंह में लग जाए, तो उनको एक्चुअल में नहीं पता होता कि हसल क्या चीज होती है, मेहनत क्या होती है, ये कमाई हुई चीज होती है। तो आज मेरा बेटा मुझे ये बात कहता है कि मम्मी अब हमारी बारी है, आप ऐश करो। और वाकई में भगवान की कृपा है इस बात की, बच्चे बहुत ऐश करवाते हैं। और जो हमने जोड़ा है तो वो कहते हैं मम्मी बस इतना जोड़ा है, आपने जोड़ा तो हम भी बनाएंगे। तो बच्चों को खुली छूट दो, बच्चों की बात सुनो। और बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की मजबूरी को देखना। सच्चाई अगर माँ बाप की मजबूरी नहीं देखेंगे तो जो माँ बाप ने मेहनत करके बनाया ना, सब मिट्टी मिट्टी मेट हो जाएगा। सच्चाई है। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप से प्यार करें, उनकी मजबूरी समझें। और आप जब भी कोई चीज लेना चाहें तो अपने माँ बाप को अपने माइंड में जरूर रखें। तो आप अपने दायरे के हिसाब से पैसे खर्च करोगे। और जब भी आप अपने माँ बाप को चाहे 10 रुपए की चीज भी लेके दोगे ना, तो उनको वो खुशी करोड़ रुपए की होगी। ये सच्चाई है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, ऐसे ही अगर आप चाहते हो यार कि हम ऐसे और गानों पे भी रिएक्शन करते रहें, तो यार प्लीज हमें हरियाणा के बहुत सारे गाने मम्मी लोकल आप हमें भेजा करो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा ब्लॉग आउट हो गया, तो यार ब्लॉग को भी जरूर देखना। और प्लीज देखकर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप ये जरूर बताना कि आपको ब्लॉग भी कैसा लगा। ये गाना मेरी नजरों में एक नंबर। और एक चीज और है, जैसे हर एक लैंग्वेज में ना बाप के नाम अलग अलग है। कोई बाप बोलता है, कोई बापू बोलता है, कोई बाबू बोलता है। तो बाबू और बापू सेम चीज है। तो ये हरियाणवी में बोला हुआ वर्ड था और बहुत बढ़िया लगा मुझे गाना। तो मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप अभी तक नहीं करा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आप चैनल पर नए हैं तो बिना किसी रोक टोक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, से क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गाने पर रिएक्शन देता हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करने, क्योंकि वहीं से देखे हम आपके गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। और फटाफट हमारे 50 के सब्सक्राइबर करा दो, क्योंकि हमारे को उसका इंतजार बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।